डे बुक का टैली प्राइम में क्या यूज हो सकता है, आज उसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि डे बुक का क्या यूज है। हालांकि इसके भी पहले मैंने डे बुक को लेकर के कई वीडियोस बनाई हैं, तो चलिए ये समझते हैं डे बुक का यूज। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कंपनी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप इसका फाइनेंशियल ईयर चेक करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट के साथ F2 फंक्शन बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर देख पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंतर्गत हुई एंट्रीज को देखें तो इसके लिए आपको यहाँ से के बटन प्रेस करना है। देखिए, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको के बटन प्रेस करना है और जैसे ही के प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ हुई एंट्रीज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डेट की एंट्री ही दिखे तो इसके लिए आपको F2 प्रेस करना होगा। जैसे ही F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 1 अप्रैल की एंट्री देखनी है तो 1/4/2021 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं केवल 1 अप्रैल की ही एंट्री हमें दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच की एंट्रीज दिखाई दें तो आपको वापस से ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा और 1 अप्रैल और यहाँ नीचे डेट डाल दीजिए 1/5/2021। तो ये कर देना है आपको 1/5/2021, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक की एंट्रीज ही दिखाई पड़ेंगी। इसमें से जो भी एंट्री आप ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, एंटर प्रेस कर दीजिए और ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ से प्रीव्यू के लिए आई बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका इनवॉइस आपके सामने है। कोई भी एंट्री देखनी हो आप आसानी के साथ देख सकते हैं। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी आपके। अगर आप डे बुक में जाने के लिए के नहीं प्रेस करना चाहते, देखिए यहाँ से अगर मैं बाहर आता हूँ और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाता हूँ तो यहाँ से आप के नहीं प्रेस करना चाहते तो डिस्प्ले में जाने के लिए आप डी प्रेस कर दीजिए और फिर यहाँ पर भी आपको डे बुक मिल जाता है तो फिर एक बार और डी प्रेस कीजिए, आपको वही सारी चीज़ें दोबारा से मिल जाती हैं। तो ये बहुत इजी है, आसान है। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो इस तरह तरीके से आपने देखा कि जो भी एंट्रीज हम टैली प्राइम में पास करते हैं वो सारी एंट्रीज डे बुक में जा करके देखी जा सकती हैं। तो डे बुक आपको कहाँ मिलता है? गेटवे ऑफ टैली पर। क्लियर हो गया ना? और जो टैली की मेन मेन्यू होती है वो इसी को बोला जाता है गेटवे ऑफ टैली को। ठीक है, यहाँ से आपको जो कुछ भी चाहिए देख सकते हैं। जो भी आपने एंट्रीज पास की हैं उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है, इसीलिए इसको टैली का मेन मेन्यू भी कहा जाता है। ओके, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।